केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां इंडिया अलायंस की बैठक में कांग्रेस घिर चुकी है, तो वहीं पे अब लगभग सभी दलों ने अब सीट शेयरिंग जल्द से जल्द करने का मुद्दा भी उठाया है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में जारी है, जो आज शाम को खत्म होगी। बैठक से पहले संभावना जताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन के लोगों और संयोजक को लेकर आम सहमति बन सकती है, लेकिन अब खबर आ रही है कि लोगों आज जारी नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम को लेकर भी संशय कायम है। सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन में शामिल ज़्यादातर दल चाहते हैं कि पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूले का खाका सामने रखा जाए। सीट बंटवारे पर सभी दलों के बीच आम सहमति बनने के बाद ही गठबंधन के लोगों और संयोजक के नाम के साथ आगे बढ़ा जाए। इंडिया ब्लॉक में शामिल राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। इसे लेकर कांग्रेस घिरती हुई दिख रही है। बैठक में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर जल्दबाजी करने पर जोर दिया। तमाम पार्टियां कांग्रेस से उम्मीद कर रही हैं कि वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नाते सीट बंटवारे को लेकर जल्द पहल करे। दरअसल कांग्रेस की नज़र 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, ताकि नतीजों के आधार पर वो सीट शेयरिंग में अपनी ताकत बढ़ा सके। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने विस्तार में लगी है और उसकी नज़र भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव पर है। समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में कुछ सीटें चाहती है, इसलिए ये पार्टियां जल्द सीट शेयरिंग पर जोर दे रही हैं। अब देखना है कि कांग्रेस किस तरफ में आज की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर कोई स्पष्ट बयान सामने आता है, दूसरे दलों के साथ तालमेल पर कुछ कहा जाता है कि नहीं। जहां तक लोगों की बात है, तो इंडिया अलायंस की पार्टियां ये तय नहीं कर पा रही हैं कि चुनाव के समय वे अपनी पार्टी के चिन्ह के साथ गठबंधन का लोगो का इस्तेमाल करेगी या नहीं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।